हाय फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हमारे पास टोयोटा कंपनी की इनोवा क्रिस्टा आई है जिसका हम क्लच ओवरऑल करने वाले हैं। तो हम आज आपको बताएंगे इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं हम इसका गियर ओपन कर रहे हैं तो हम आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। ये देख सकते हैं ये जो गियर लीवर है इसको अगर आपको ओपन करना रहेगा कभी भी, ये देखिए ये ओपन नहीं हो रहा है। इसमें कोई बोल्ड या कोई किसी प्रकार का लॉकिंग वॉकिंग सिस्टम नहीं दिया है। ये जो आपको दिया है इसको कभी भी पुश करके ऐसा घुमा दीजिएगा, ऐसा घुमाएंगे तो ये आपका गियर लीवर का जो डंडी है ये बाहर आ जाएगा। ये देख सकते हैं, ये देखिए इसमें दो लॉकिंग सिस्टम है। ये आप जब इसको दबा के ऐसा बिठाएंगे तो लॉक हो जाएगा और पुश करके जब उल्टा घुमाएंगे तो आपका ये लीवर बाहर आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, हम इसका गियर बॉक्स ओपन कर रहे हैं। हमने सबसे पहले तो फ्रेंड इसका जो गियर ऑयल आता है उसे एक साफ से ट्रे में ओपन कर दिया है। अगर उसका हम ग्रेविटी चेक करेंगे, अगर अच्छा रहेगा तो उसे ही रिटर्न टॉप अप करेंगे, नहीं तो हम एक्सचेंज करेंगे। तो आपको हम दिखाते हैं गियर ऑयल का कंडीशन। जैसा कि फ्रेंड ये देख सकते हैं ये इसका गियर ऑयल है, ये देख सकते हैं ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। हम इसे गियर ऑयल को भी एक्सचेंज करेंगे, आप देख सकते हैं आपके सामने है। देख सकते हैं फ्रेंड हमारे दुबे जी इसका गियर बॉक्स राउंडिंग खोल रहे हैं। हम आज आपको इसका गियर बॉक्स ओपन करके और नीचे लेने के बाद आपको बताते हैं इसका क्लच प्लेट चेक करके कि क्लच प्लेट का क्या कंडीशन है। हाय फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आज इनोवा क्रिस्टा का क्लच ओवरऑल कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं हमने इसका गेयरबॉक्स बाहर निकाल लिया है। ये इसका गेयरबॉक्स है, आप देख सकते हैं हमने साफ सफाई भी करके इसमें जो है नया क्लच बेयरिंग भी फिट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं नया क्लच बेयरिंग है। इसका जूना पार्ट हम आपको दिखाते हैं, ये इसका जूना क्लच प्लेट है, ये प्रेशर प्लेट है और ये क्लच बेयरिंग है। ये इसका नया क्लच प्लेट है, हम आपको दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं ये इसका क्लच प्लेट है और ये इसका प्रेशर प्लेट है जो हम टोयोटा का डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं टोयोटा का जेन्युइन पार्ट है, क्लच बेयरिंग भी हमने टोयोटा का जेन्युइन पार्ट डाला है। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम इस क्लच को फिट करके आपको दिखाएंगे। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने इसका क्लच भी फिट कर दिया है, ये नया वाला क्लच है। अब हम इसका गेयरबॉक्स चढ़ाने जा रहे हैं, देख सकते हैं ये इसका गेयरबॉक्स है। अब हम इसे चढ़ा करके और फाइनल करके उसके बाद आपको बताएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड हमने गेयरबॉक्स भी चढ़ा दिया है, अब इसका राउंडिंग हम टाइट कर रहे हैं। इसकी जितनी भी राउंडिंग है हम फंसाएंगे। देख सकते हैं इसको हाइड्रोलिक जैक पे हमने रुका के रखा है गेयरबॉक्स को। बाकी का राउंडिंग ऊपर का भी दो राउंडिंग फंसाओ, नीचे का राउंडिंग थोड़ा टच करो, ऊपर का राउंडिंग थोड़ा टच करो, उसका इसका जो क्रॉस मेंबर है उसे लगाओ। जैसा कि फ्रेंड देख सकते हैं हमारा गैस बॉक्स पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है।
इसका दोनों जो क्रॉस मेंबर आता है वो भी फिट हो चुका है, देख सकते हैं। इसका जो जॉइंट आता है वो भी फिट हो चुका है। अब इसमें सिर्फ गियर ऑयल टॉप अप करना बाकी है, तो हम इसका गियर ऑयल चेंज कर रहे हैं, नया डाल रहे हैं, तो हम आपको दिखाते हैं गियर ऑयल नया डाल के। जैसा कि फ्रेंड अब हम इसमें गियर ऑयल डालने जा रहे हैं। राहुल जी जरा इसका गियर ऑयल ओपन कीजिए, ये देख सकते हैं, ये इसका सील आपके सामने हम ओपन कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब डालिए। देख सकते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं फ्रेंड, ये 1 लीटर गियर ऑयल ख़त्म हो चुका है। अब हम दूसरा लीटर डालना चालू करेंगे। ये 1 लीटर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, अब हम आपके सामने दूसरा लीटर उठाते हैं डालने के लिए। दूसरा डब्बा उठाइए, दूसरा डब्बा डाला जा रहा है, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, ये दूसरा डब्बा भी हमारा समाप्त हो रहा है। ये 2 लीटर गियर ऑयल हमने पूरी तरह से डाल दिया है। ये अब हम तीसरा डब्बा डालना चालू कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि इसमें नेट कितना जाएगा। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, इसमें टोटल 3 लीटर गियर ऑयल गया है। ये हमारा 3 लीटर का डब्बा है, 1-1 लीटर का, आप देख सकते हैं इसमें टोटल 3 लीटर गियर ऑयल जाता है। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये हमारा क्लच ओवरऑल का काम पूरी तरह से प्रॉपर हो चुका है। गाड़ी को हमने डाउन भी कर दिया है। देख सकते हैं, अब हम इसका बैटरी वायर टाइट करेंगे। अब बैटरी वायर टाइट करके फिर आपको गाड़ी स्टार्ट करके इसका गियर शिफ्टिंग करके आपको दिखाएंगे। ये हमने इसका बैटरी वाइट ऐड कर दिया, अब आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है। ये गियर शिफ्टिंग भी आप देख सकते हैं हमारा प्रॉपर तरीके से हो रहा है, ये देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसका टेस्ट ड्राइव लेंगे। अब टेस्ट ड्राइव लेने के बाद फिर फाइनल होने के बाद ये गाड़ी हम कस्टमर को डिलीवरी दे देंगे।
देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा गाड़ी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे चलकर आपके सामने अच्छे से अच्छा वीडियो पेश कर सकें।